हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में हमने डिवाइड कर रखा था पढ़ाई के पर्पस के लिए। ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और ये लास्ट क्लास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन की पूरी कहानी हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। उम्मीद कर रहा था कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हुए आप हमारे साथ आ रहे होंगे, फिर भी कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट या आपने हमारे साथ पढ़ाई नहीं करी है तो प्लेलिस्ट में जाकर मौजूद वीडियो को देख कर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कम समय में आप जल्दी से इसे रिवाइज़ करते हुए आगे आ जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। एक्चुअल में लाइट जब निकल रही होती है तो डिफरेंट पार्टिकल्स पे पड़ने के बाद वह इतर बितर हो जाती है, छिट जाती है। इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो स्कैटरिंग है डिफरेंट पार्टिकल पर पड़ने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ये तीन फिनोमिना हमारे सिलेबस में है जिसे हमें जानना है। सबसे पहला है टिंडल इफेक्ट, दूसरा है वाई द स्काई इज ब्लू, तीसरा है सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। तो चलिए एक एक करके इन फिनोमिना को जानते हैं। सबसे पहले है टिंडल इफेक्ट। लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रही होती हैं तो उसके सामने कुछ पार्टिकल्स आते हैं। ये पार्टिकल्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ रहे होते हैं। इस कारण से हमें स्पार्कल करते हुए कलर दिखाई देता है। आप देखेंगे यहाँ पर प्योर वाटर में कोई भी स्पार्कल करते हुए पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि वह हमें स्पार्कल करते हुए मालूम नहीं पड़ रहे। लेकिन क्लाउडी सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में, यह पार्टिकल्स का साइज बड़ा है। इस कारण से हमें पाथ ऑफ लाइट और स्पार्कल करते हुए ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल वन में मैंने आपको ये बताया है कि आप एक अंधेरे कमरे में जब खिड़की से या फिर कोई छोटे से छेद से लाइट आ रही होती है तो इस लाइट में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स चलते हुए, घूमते हुए, स्पार्कल चमकते हुए दिखाई देंगे। इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक ऐसा ही दूसरे एग्जाम्पल में, एक घने जंगल में बहुत सारे पेड़ों के बीच से अगर कोई लाइट आ रही होती है तो उसमें भी हमें पार्टिकल्स डांस करते हुए, स्पार्कल करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं टिंडल इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे हो सकते हैं, मीडियम साइज के हो सकते हैं और बहुत बड़े हो सकते हैं। छोटे पार्टिकल्स हमेशा शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को हिट करते हैं और नॉर्मली ब्लू कलर हमें दिखाई देता है, जबकि मीडियम साइज के पार्टिकल्स मेनली रेड कलर को हिट करते हैं, रेड कलर को इतर बितर करते हैं, जो कि लॉन्गर वेवलेंथ का है तो हमें रेडनेस सी दिखाई देती है। जबकि लार्ज साइज के पार्टिकल अगर सामने आ जाए तो वह सभी कलर्स को डेविएट करते हैं, सभी कलर को स्कैटर करते हैं। इस कारण से हमें वाइट कलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ब्लू कलर देखने को कब मिलता है, रेड कलर देखने को कब मिलता है और वाइट कलर देखने को कब मिलता है, इसके बारे में समझाया गया है। स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्टर वेवलेंथ में जो पार्टिकल्स होते हैं वह लाइट को जब स्कैटर करते हैं तो मेनली ब्लू कलर दिखाई देते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स और गैसेस होती हैं जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इन गैसेस या वाटर वेपर के ऊपर जब वाइट लाइट, सन की वाइट लाइट पड़ती है तो यह शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है, ब्लू कलर, उसको स्कैटर करते हैं। इस कारण से हमें स्काई ब्लू दिखाई देती है। अब जानते हैं कि हमें सन रेड सनराइज के समय और सनसेट के समय क्यों दिखाई देता है। एक्चुअल में सन जो है होराइजन के नज़दीक होता है और उसे बहुत दूर डिस्टेंस ट्रेवल करके एटमॉस्फेयर में एंटर करना होता है। जब बहुत दूर डिस्टेंस ट्रेवल करके एंटर करना होता है तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वह छोटी वेवलेंथ यानी ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर है वह हमारी आंखों तक डायरेक्टली आ जाता है। इस कारण से हमें सनराइज के समय और सनसेट के समय सन रेड कलर का दिखाई देता
देता है। अगर यही सन ऊपर की तरफ आ जाता है, हमारे 12 नून का टाइम होता है, तो सभी लाइट स्कैटर हो जाती हैं, सभी लाइट पार्टिकल्स उसको स्कैटर कर देते हैं, तो हमें यह वाइट दिखाई देता है। तो आपके सामने क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये वाइट वाला भी पूछा जाता है और रेड वाला भी पूछा जाता है। हालांकि इस बार अभी तक की अपडेट के हिसाब से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, ये सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है, लेकिन क्या पता बाद में आ जाए, इसलिए मैंने आपके लिए अच्छी सी स्लाइड बनाकर आपको समझाया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप नोट्स को रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।